हेलो दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका पिरामल इंटरप्राइज के बाईबैक के बारे में इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं तो देखिए यहां पर कंपनी 1.4 करोड़ शेयर्स के आस बाई करने वाली है और कुछ 1250 के प्राइस में ये बाईबैक होने वाला है अब कॉन्सेप्ट को समझिए देखिए मार्केट में किसी भी कंपनी के करोड़ों शेयर्स होते हैं उसमें से कुछ शेयर्स कंपनी खरीद लेती है बाईबैक कर लेती है किससे खरीद लेती है और वो इंपॉर्टेंट होता है कौन से मोड से खरीद रही है तो वो है तीसरा पॉइंट वो है टेंडर ऑफर टेंडर ऑफर क्या है कि अगर आप शेयर होल्डर हैं तो कंपनी डायरेक्टली आपसे जो है वो खरीद लेगी आपको अपने शेयर आप चाहें तो टेंडर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते अगर आप टेंडर करते हैं तो कंपनी आपको जो भी आपकी इंटाइटलमेंट होगी उसके हिसाब से आपको यहां पर जो शेयर्स है वो आपको खरीद के आपको पेमेंट यहां पर कर देगी

तो ये कुछ प्रीमियम में आपको देखने को मिल रहा है सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट में तो ये बाईबैक में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है क्योंकि बाईबैक में अगर प्रीमियम ना हो तो बाईबैक में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो क्या होगा कोई भी जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टली अपने जो मार्केट है वहीं से ही शेयर खरीद लेंगे तो इसलिए बाईबैक में हमेशा कोई भी बाईबैक हो तो थोड़ा सा प्रीमियम जरूर रहता है दोस्तों अब ये पिरामल इंटरप्राइज के जो बाईबैक है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट जैसे ऑगस्ट ट्वेंटी रिकॉर्ड डेट है मतलब इस डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस बाईबैक में जो पार्टिसिपेट है उस करने के लिए एलिजिबल है और फिर टेंडरिंग की एक विंडो ओपन होगी मतलब अगर आपका इच्छा है आपको तो जो भी आपके ब्रोकरेज है या जहां भी आपका डिमेट अकाउंट है वहां पर वो विंडो के जरिए आप जो भी शेयर है वो टेंडर कर सकते हैं आपकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से या उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं उसके लिए हम डिटेल्स का वेट करेंगे वो डिटेल्स कब आएगी अगस्त 25 को जब रिकॉर्ड डेट खत्म हो जाएगी ठीक है उसके बाद में लेटर ऑफ ऑफर आएगा उसमें हमको इंटाइटलमेंट पता चलेगा और फिर जो बाकी जो डिटेल्स है वो पता चलेगी वो हमको अभी पता नहीं है वो ये रिकॉर्ड डेट के बाद हमको पता चलेगी तो जब डिटेल्स आएंगी हम आपके साथ उस समय में शेयर कर देंगे दोस्तों तो अभी फिलहाल कंपनी ने कहा है कि जो पूरा प्रोसेस है ये दो महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा तो अभी जैसे जुलाई का एंड चल रहा है तो हम एक सेफ एजम्पन ले सकते हैं कि सप्टेम्बर एंड होते होते ये पूरा जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगा तो अभी जो वेट रहेगा जो इंपॉर्टेंट डेट है रिकॉर्ड डेट उसके खत्म होने के बाद में लेटर ऑफ ऑफर का यहां पर वेट रहेगा

किसी भी कंपनी के सौ शेयर हैं वैसे होते तो करोड़ शेयर है 1.4 करोड़ शेयर तो खुद ही पिरामल इंटरप्राइज यहां पर बाईब कर रही है लेकिन समझ लीजिए 100 शेयर है किसी कंपनी के और आप समझ लीजिए ओनर है, उस के, 5 आपका यहां पर स्टेक है ठीक है मान लीजिए ओके अब जब बाईब होता है तो अगर आप कॉन्सेप्चुअल जाएंगे तो जो नंबर ऑफ शेयर जो है वो कम होते हैं ठीक है तो समझ लीजिए कोई कंपनी बाईबैक लाई और बाईबैक में उन्होंने कहा कि हम अपने सौ में से फॉर एग्जाम्पल पांच शेयर को बाई बैक कर लेंगे तो जब वो पांच शेयर को बाईबैक कर लेंगे तो जो नंबर ऑफ शेयर है सौ है सौ में से क्या होगा नाइन्टी फाइव हो जाएगा अब ओनर ने अगर यहां पार्टिसिपेट नहीं किया तो नाइनटी फाइव में से उनकी तो ओनरशिप पांच की ही रही लेकिन रिलेटिव जो टोटल ओनरशिप है जो पहले पांच परसेंट की थी वो अब बढ़ जाएगी फाइव पॉइंट टू सिक्स परसेंट हो जाएगी तो इनफैक्ट बाईबैक में पार्टिसिपेट ना करके प्रोमोटर्स अपनी जो ओनरशिप है वो यहां पर बढ़ा रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव चीज ही है कि प्रोमोटर अपने कंपनी पर पॉजिटिव है रिलेटिव ओनरशिप उनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसीलिए बाईबैक में दो टाइप के डिसीजन है पहला डिसीजन कि बाईबैक में पार्टिसिपेट करना उसके भी फायदा है कि थोड़ा सा प्रीमियम में मिल रहा है हमको यहाँ पर पैसा भी यहां पर मिल जा रहा है थोड़ा प्रीमियम में तो वो एक फायदा है ही और जो दूसरा जो है बाईबैक में पार्टिसिपेट कोई ना करे और ये मैं सिर्फ प्रोमोटर की बात नहीं कर रहा हूं अगर आपके पास भी शेयर है और आप बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो भी कोई नुकसान नहीं है रिलेटिव ओनरशिप आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी अब देखिए प्रोमोटर्स के पास तो करोड़ों शेयर है तो उनकी रिलेटिव ओनरशिप थोड़ी दिखती भी है बट आम जो निवेशक होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास कितने दस शेयर सौ शेयर डेढ़ सौ शेयर उतने इतने ही रहते हैं ज्यादा नहीं रहते हैं ठीक है रिटेल इन्वेस्टर की क्योंकि दो लाख से कम जिसके पास भी जो अमाउंट रहती है उनको रिटेल इन्वेस्टर या फिर स्मॉल शेयर होल्डर वो कहा जाता है तो बहुत रिलेटिव ओनरशिप में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा बट ये भी एक फर्क रहता है तो ऐसा मत सोचिए कि बाईब में पार्टिसिपेट करना पॉजिटिव है और ना करना नेगेटिव है दोनों के अपने फायदे और नुकसान है और हर इन्वेस्टर को अपने हिसाब से डिसीजन यहां पर लेना है ठीक है यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ठीक है तो ये पार्टिसिपेट ना करना एक तरीके से पॉजिटिव माना जा सकता है बाकी बाईबैक में क्या फायदे होते हैं नंबर ऑफ शेयर जो है वो कम हो जाते हैं जो हमने डिस्कस किया उससे क्या होता है कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर वो इंप्रूव हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जा रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी इंप्रूव हो जाती है और ओवरऑल जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है ये भी इंक्रीज हो जाती है लास्ट में अभी तो सिर्फ डिटेल्स आई है लेकिन वेट रहेगा अगस्त 25 के बाद में लेटर ऑफ ऑफर का यहाँ पर और ज्यादा डिटेल्स आएगी टेंडरिंग विंडो के बारे में हमको पता चलेगा इंटाइटलमेंट के बारे में हमको जो है और आइडिया यहाँ पर आएगा तो उस समय में और ज्यादा डिटेल्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे बाकी इसके बेनिफिट भी हैं बेनिफिट नहीं भी है वो हर इन्वेस्टर को अपने हिसाब से डिसाइड करना रहता है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दोस्तों